गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे गाइज आप सब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस फॉर्मूला, जिसको फॉलो करके आप अपने बढ़े हुए वजन को इजिली कंट्रोल में ला सकते हो। बढ़ा हुआ वजन बहुत ज्यादा बीमारियों को इन्वाइट करता है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी किससे रिलेटेड है। लेकिन मोटापा जो है ना, वो बीमारियों की मेन जड़ होती है, मेन वजह होती है। अगर मोटापे को हमने कंट्रोल में नहीं लाया ना, तो पता नहीं शरीर को क्या क्या बीमारी लग जानी है, हमें खुद को पता ही नहीं चलना। तो इसलिए आपको मैं जो है ना अलर्ट कर देना चाहती हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आपका वजन अचानक से 10-15 किलो बढ़ गया है या 10-15 किलो या अचानक से घट गया है, तो आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फिजिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो कि आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। तो चलो आगे अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर ही, कि हमारा जो बढ़ा हुआ वजन है वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने अब अपने वजन को कैसे कंट्रोल में लाना है, एक बहुत ही अच्छा वेट लॉस डिटॉक्स वाटर आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि ये डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है। इस वेट लॉस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें चाहिए मौसमी। मौसमी जो है ना, इस सीजन में बहुत इजीली अवेलेबल है, और मौसमी को अच्छे से वॉश करना है, कट करना है, और आपने जो है ना इसके पील यहाँ पर कलेक्ट करने हैं। एक्चुअली मौसमी जो है ना, इस वेदर में इजीली अवेलेबल होती है। विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से यह आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, आपको जो है ना आपकी स्किन को यंग बनाकर रखती है, और साथ साथ जो है ये वेट लॉस में बहुत तेजी से वर्क करती है। तो वेट लॉस के लिए हमने जो है ना इसका पील इस्तेमाल में लाना है। पील जो है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ठीक है, डस्ट इम्प्योरिटीज उस पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पील अलग किया है और इसके छोटे छोटे पीसेस में यहाँ कट कर रही हूँ। जो मौसमी का पील होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करते हुए वेट को, फैट को बहुत तेज़ी से मेल्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पीसेस ले लिए हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए लेमन। लेमन भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है, जो भी जो पोर्शन थोड़ा बहुत गंदा हो उसको निकाल दीजिए, ख़राब हो उसको निकाल दीजिए, और इसका साफ पील जो है आपने इस्तेमाल में लाना है। लेमन का पील भी वेट लॉस में बहुत कारगर माना जाता है, विटामिन सी से भरपूर होता है लेमन और लेमन का पील, तो ये बहुत तेज़ी से वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, कैलोरीज को मेल्ट करता है, फैट को मेल्ट करता है। बॉडी में कहीं पर भी फैट बढ़ गया है, टमी फैट, थाइस फैट, तो ओवरऑल बॉडी के सारे फैट को ये पील्स बहुत इजीली मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा कारगर माने जाते हैं। तो ये मैंने दोनों के पील्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब गैस पर पैन रखिए और पैन में जो है ना एक बड़ा जार भर के पानी का डाल दीजिए। अब थोड़ा सा पानी गर्म होने दीजिए और इस पानी के अंदर आपने जो है ना जो पील्स हैं सारे उनको डाल देना है, ठीक है गाइस। अब इसको हल्का बॉयल होने दीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम रख लीजिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा हाई फ्लेम रखिएगा, बाद में लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकने देना है। आपने ना इसको तब तक पकाते रहना है जब तक कि इसका मौसमी जो है, जो पील्स हैं जितने भी, वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसके अंदर हमने एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की और थोड़ा सा जो है ना जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो डालना है। अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है, साबुत काली मिर्च डालनी है, तो 4-5 दाने डाल दीजिएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वेट लॉस में बहुत अच्छे होते हैं, और ये डिटॉक्स वाटर बहुत तेज़ी से काम भी करेगा आपकी बॉडी से फैट को मेल्ट करने के लिए। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा सा बताइए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जितनी देर में हमारा ड्रिंक बनकर तैयार हो रहा है, डिटॉक्स वाटर तैयार हो रहा है, उतनी देर हमने जो यहाँ मौसमी थी और लेमन था उसका जूस जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जूस भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल में लाना है गाइस। तो अब आप बीच बीच में चेक कर लीजिएगा पैन में कि जो आपका ड्रिंक है वो रेडी हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, उसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा जब तक ये पील सॉफ्ट नहीं हो जाते और पानी की क्वांटिटी हाफ नहीं रह जाती, तब तक आपने इसको पकाते रहना है। तो यहाँ पानी की क्वांटिटी अब हाफ रह गई है और पील्स का जो कलर है वो भी बदल गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसको जो है ना स्ट्रेन कर लेंगे एक स्टील के बर्तन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉट है, ये बहुत गर्म है। तो मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसको जो है अब दूसरे जार में, अलग गिलास में इसको डाल रही हूँ। गाइस ये डिटॉक्स वाटर बहुत तेज़ी से काम करने वाला है, आपकी बॉडी से फैट को मेल्ट करने में बहुत कारगर है। तो इस गिलास के अंदर मैंने डाल लिया है, आप देख सकते हो कि इसकी क्वांटिटी कितनी रह गई है। एक गिलास ये यही वाला गिलास भर के पानी का मैंने यूज़ किया था, उसमें से अब ये हाफ बचा है। तो अब ये हाफ आपने जो है ना सिप सिप करके आराम से बैठ कर पीना है। कब पीना है? आप ये जो जूसेस वगैरह हैं, लेमन का जूस है, मौसमी का है, इस जूसेस को इसके अंदर डाल लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सीरियसली बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करने के बाद आपका ये ड्रिंक बनकर तैयार हो गया, डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया। मैं इसको आराम से बैठकर सिप सिप करके पी रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया इसका, खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा टेस्ट था गाइस। आप इसको जरूर जरूर ट्राई करके देखिएगा। और ये डिटॉक्स वाटर देखो कितना ज़्यादा है, इजी ये बन जाता है। और मॉर्निंग में आप खाली पेट इसको कंज्यूम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप इवनिंग टाइम में भी इसको ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, ट्राई जरूर कीजिएगा। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भर भर के कीजिएगा, आपका एक शेयर काफी लोगों की हेल्प कर सकता है। तो मिलूंगी आपको अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।